दो टीमें बची हुई यहाँ पे एंड 2v3 सिचुएशन है, ओआर वर्सेस स्काउट। किसी सेकंड हमें एक नया सर्कल देखने को मिलेगा और मोमेंट्स मिलेंगी। यार दिस सर्कल लिटरली फेवर्ड टीम ओआर गॉडलाइक एंड सेवन सीज। और भाई पे फाइनल बॉस है यहाँ पे, एक नॉकआउट निकाला ब्लेजी को और ये फाइनल किल थी। मार्कोस गेमिंग 9th पोजीशन पे निकलती है 1 पॉइंट्स के साथ। कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, फिर से उम्मीदें फिर से इनसे बहुत ज्यादा थी, बट आगे बढ़ते हैं हमारी बची हुई टीम के साथ। 8 टीम्स और 22 प्लेयर। सेल्स अभी काफी स्ट्रॉन्ग है, 6 किल्स निकाल चुकी है, 6 पॉइंट्स हैं। इंटेंस के पास 4 प्लेयर जिंदा, 1 पॉइंट के साथ। बाकी किसी भी टीम के पास 4 प्लेयर जिंदा नहीं है। यहाँ पर 7 ईस्पोर्ट 6 पॉइंट्स के साथ है और वहीं पे गॉडलाइक के पास 5 है, फिनाटिक के पास 3, ऑरेंज रॉक के पास 2, टीम एल्स 1 पॉइंट और ओआरबी एलीट जो 1 प्लेयर के साथ जिंदा है वो 5 पॉइंट पे है। और ये रौनक का काफी अच्छा शॉट कनेक्ट करने की कोशिश करी, अच्छा स्प्रे था बट सेल्स के एमजे और रेड को वो टैप आउट कर सकते हैं, बट वहां पे पत्थर ऐसा आसान नहीं होगा उनके लिए नॉकआउट करना उनके लिए, बट सेल्स आराम से हीलअप करके गेम में आगे बढ़ सकते हैं। इनके जो एडी है वो नॉकआउट तो हो चुके हैं, बट एडी को स्मोक ही नहीं होती, देर में गाड़ी फोड़ी और एडी का गेम यहाँ पे खत्म कर दिया। रौनक ने यहाँ पे एमजे का किल कंफर्म किया एंड ये एक फेयर एंड स्क्वेयर हुआ, नॉकआउट किया था किल को और ले गया क्योंकि फिनाटिक अभी भी 3 पॉइंट्स ही हैं। और अब हमारे पास धीरे धीरे करके प्लेस खत्म होते जा रहे हैं। मैच जो एमजे है उनको रिवाइव किया जा रहा है, सेल्स के रेड कोशिश करेंगे बट ओआर के मवी ने वीरू को नॉकआउट कर दिया है। यहाँ पे ओआर के पास एक अच्छा रेजर जो उसका अच्छा फायदा उठा रहे हैं, 420 ने एक अच्छा रिप्लाई दिया मवी को नॉकआउट करके एंड दिस इज अ परफेक्ट टाइम। यहाँ पर अगर सर्कल क्लोज आउट करना है देन अभी करना पड़ेगा टीम फिनाटिक को, कॉज सर्कल अब 8 सेकंड के अंदर चलना चालू करेगा और एज वी आर लेट गेम जो बिगर साइड होती है वहां से काफी जल्दी रोटेट करता है। गॉडल के गिल ने अपनी ग्रेनेड से एल्स के मैट को नॉकआउट किया, गिल ने किल भी कंफर्म करी मैट को मारकर। अब रौनक एंड आश अपनी सुपर कार के साथ कोशिश करेंगे और उन्होंने अच्छा एंगल ले लिया, एक तरफ गाड़ी एक तरफ पत्थर है, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके जस्ट पीछे फाइनल बॉस। फाइनल बॉस रोटेट करते हुए दिख रहे थे, काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और स्काउट ओपी ने सेल्स एमजे का किल कंफर्म किया, गिल ने वहां पर रौनक को नॉकआउट कर दिया है और सेल्स के रॉक भी गेम से बाहर हो चुके हैं। आश ने यहाँ पे 420 को मार डाला यहाँ पर और अब फिनाटिक काम भी मुश्किल इसलिए हो सकता है, नॉकआउट है, स्कॉट काफी ऑफ पोजीशन में हो सकते हैं, काफी दूर से वो खेल रहे हैं। बट सेवन जो सेवन सीज के फाइनल बॉस है, ही इज टेकिंग दैट ब्लू जोन डैमेज बट ज्यादा देर नहीं बच पाएंगे। एल 7वें पोजीशन पे निकलती है 2 किल के साथ। बट फिनाटिक का स्क्वाड रौनक वहां पे थोड़ा सा प्रोन डाउन जब हुए, वहां पे गिल ने चांस उठाया, वहां पे डीएमआर मिनी 14 से वहां पे उनको नॉकडाउन कर रहे हैं, रिवाइव मिल गया यहाँ पे एश की तरफ से। बट कैरी सामने स्पॉट हुआ है, स्काउट ओपी के स्प्रे से स्मोकी को भी उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज दिया है बट स्काउट एंड उनकी टीम को यहाँ पे अंदर जाना पड़ेगा। बट गॉडल्स का स्क्वाड सामने से बहुत ज्यादा डैमेज दे चुका है, फर्स्ट एड किट यहाँ पे पॉप करनी बहुत जरूरी है, प्लस यहाँ पे जोन का डैमेज पड़ेगा वो चीज बाद में हो पाएगी, बट स्टिल यू हैव टू गो टू द जोन एंड यहाँ पे इस वाले ट्री का कवर लेके ही कैन पॉप अ फर्स्ट एड ओवर हियर, ही कैन हैव अ गुड टाइम ओवर देयर। बट यहाँ पे उनकी स्क्वाड को दिक्कत आ सकती है। एश ने यहाँ पे फाइनल बॉस को खत्म करा जो कि जोन के बाहर थे एंड यहाँ पे इंटेंस इंसर्जेंसी का स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए इस वाले मैच से स्काउट ओपी का यहाँ पे किल मिलता हुआ उन्हें जाल के रूप में। फिनाटिक यहाँ पे 9 पॉइंट्स के साथ 3-man स्क्वाड फाइनल सर्कल में जाती हुई, जो कि मेरे ख्याल से 2 टीमें बची हुई यहाँ पे एंड 2v3 सिचुएशन है, ओआर वर्सेस स्काउट एंड उनका पूरा स्क्वाड जिंदा है। एंड देखते मेरे ख्याल से फिनाटिक के लिए ग्रीन लाइट है यहाँ पे इस वाले मैच में चिकन डिनर निकालने की। जो फाइनल जो मैच था हमारा लास्ट वाले सर्कल का, यहाँ पे वही सेम सिचुएशन बनती हुई 2v3 की, क्या फिनाटिक वाला मैच चिकन डिनर निकालेगी। रौनक का यहाँ पे एक लेफ्ट फ्लैंक आता हुआ, स्मोक बॉल उन्होंने बनाए रॉक का पीछे से कवर लेते हुए, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से दलजीत के ऊपर उन्होंने एडीएस डाल बट वहाँ पे शॉट नहीं करा, एक फर्स्ट एड वहाँ पे एक ग्रेट वहां पर उनको लूटने की मिली, मावी यहाँ पे प्रोन डाउन है बट एक फर्स्ट नॉक इसको आता है, बट यहाँ पे स्काउट का राइट साइड से फ्लैंक एंड मावी नॉक्ड हिम आउट एंड दिस विल बिकम 2v2 सिचुएशन फॉर ओआर एंड फनाटिक एज वेल। एश को यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज दिया है बट अब फनाटिक के प्लेयर कुछ ज्यादा ही यहाँ पे स्प्लिट है, बट एक अच्छी चीज है यहाँ पे स्काउट कवर में चले गए थे, कुछ ऑफ गार्ड नहीं पाए गए जहाँ पे फिनिश नहीं हुए, एश यहाँ पे आके उनको रिवाइव दे सकते हैं, वापस से 3v2 सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। बट यहाँ पे रौनक नॉक डाउन होते हुए वापस से वहां पे उनको सिर्फ अपनी पोजिशन होल्ड करनी थी थोड़ी देर तक, बट यहाँ पे ओआर का स्क्वाड बहुत प्यारा खेला, दलजीत यहाँ पे अपनी राइट साइड पे पोजीशन संभाल चुके हैं, दिस विल बिकम 2v2 सिचुएशन अगेन, स्काउट यहाँ पे फर्स्ट एड पॉप इन कर चुके हैं, एश है सामने उस वाली रोड साइड पे, मेरे ख्याल से स्काउट के पास फर्स्ट एड नहीं है एंड एक मोलोटोव बहुत प्यारा यहाँ पे ट्राई करा है मावी ने, बट थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, वहां पे स्काउट से थोड़ा सा और आगे रहता तो मावी वहां पे वो नॉक निकाल सकते थे। एश सामने स्पॉट हो चुके हैं
स्काउट ने यहाँ पे फर्स्ट एड पॉप इन करे, देखते फाइनल स्टेजेस में हम लोग आ चुके हैं इस वाले मैच में जहाँ पे रौनक क्रॉल इन कर रहे हैं। कहाँ पे अगर शायद एश वहाँ पे उस वाले रॉक तक पहुंच जाते तो रौनक को वहाँ पे रिवाइव मिल सकते हैं। फिर से 3-2 सिचुएशन, बट यहाँ पे मावी वापस से ट्राई कर रहे हैं, एश सामने से वापस से पीक कर रहे हैं, बट मावी वहाँ पे वो शॉट कनेक्ट नहीं कर पा रहे कुछ क्रूशियल शॉट से, बट स्काउट यहाँ पे क्या ग्रेनेड यूज करेंगे, बट यहाँ पे स्काउट या मैजिक 1v1 फाइट के लिए क्लोज एनकाउंटर एक ईयर यहाँ पे, बट मावी निकालते वाली 1v1 फाइट। वहाँ पे माइक्रो ओजी वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती, वापस से फनाटिक का बाहर एश के कंधों पे, क्या ये वाली फाइट एश निकाल पाएगा, बट मावी के पास माइक्रोजी एश है।